और विकसित भारत संकल्प यात्रा पूरे बिहार में भी जोर शोर से जारी है। मोदी की गारंटी वाला रथ जहां भी जा रहा है, लोग इसका उत्साहपूर्वक स्वागत कर रहे हैं और सरकारी योजनाओं का लाभ भी उठा रहे हैं। देखते हैं रिपोर्ट। विकसित भारत संकल्प यात्रा रथ राजधानी पटना के कुर्जी मोहल्ले स्थित वार्ड संख्या 22 में पहुंचा। केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं के बारे में लोगों को LED स्क्रीन के माध्यम से जानकारी दी गई। विधायक संजीव चौरसिया ने कहा कि केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ सीधे लाभार्थी को मिले, इसके लिए यह रथ पूरे प्रदेश में भ्रमण कर रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में मोदी है तो मुमकिन है। इस मोदी गारंटी रथ यात्रा यानी कि पहले दर दर भटक कर जो जाना पड़ता था दरवाजे पर, आज स्वयं जो पदाधिकारी हैं, सरकारी कर्मचारी हैं, वो उनके दरवाजे पर आ रहे हैं। जो कमी है उसको पूरा करने का काम कर रहे हैं। तो आयुष्मान भारत हो, उज्ज्वला हो, बैंक हो, रेवड़ी पटरी हो, सब मिल रहा है। मोदी की गारंटी वाला रथ पटना जिले के मुकामा के घोसवरी पंचायत पहुंचा। जागरूकता रथ के जरिए नगरवासियों को केंद्र सरकार की योजनाओं के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई। केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने बताया कि आयुष्मान भारत योजना, गरीब कल्याण अन्न योजना, उज्ज्वला योजना और जनधन योजना समेत कई योजनाओं के बारे में लोगों को जागरूक किया जा रहा है। ऐसे ही अन्य अन्य जितनी भी केंद्र सरकार की योजना है, चाहे आपके बीमे की योजना हो, चाहे आपके खाद्य सुरक्षा के कोई किताब पीछे रह गए हो, किसानों के किसान सम्मान निधि का पैसा नहीं मिल रहा हो, तो ऐसे यहाँ पर फॉर्म भरने का काम चल रहा है। विकसित भारत संकल्प यात्रा रथ कटिहार के बड़ी दुर्गा स्थान पहुंचा। केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं के बारे में लोगों को जानकारी दी गई। पूर्व उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने बताया कि संकल्प यात्रा के तहत पूरे देश में लाखों लोग केंद्र सरकार की योजनाओं से लाभान्वित हो रहे हैं। और स्वाभाविक तौर पर जो कल्याणकारी योजनाएं हैं जिन्होंने प्रारंभ की है और समाज के अलग अलग वर्गों के लिए और उनके हितों के लिए जो योजनाएं प्रारंभ हुई है आम लाभार्थियों तक पहुँचे, इसके लिए सरकार और लगातार हम सबों का प्रयास है। और इसलिए प्रत्येक नगर क्षेत्र के प्रत्येक वार्ड में एवं ग्रामीण क्षेत्र के प्रत्येक पंचायत में इस प्रकार के शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। विकसित भारत संकल्प यात्रा रथ मुजफ्फरपुर जिले के बड़का गांव दक्षिणी पंचायत पहुंचा। केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ लोगों तक पहुंचाने के लिए LED स्क्रीन के माध्यम से लोगों को जानकारी दी गई। विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान हमें ऐसे अनेक लाभार्थी मिले हैं जो सरकार की सभी योजनाओं का लाभ उठा चुके हैं और इससे उनके जीवन में सकारात्मक बदलाव भी आए हैं। ऐसे ही कुछ लाभार्थियों की कहानी उन्हीं की जुबानी। खसी का बकरी का खरीद के पोसेंगे। कितना महत्वपूर्ण मानते हैं इसको? हम बहुत मोदी जी का धन्यवाद देता हूँ कि स्टेट बैंक की तरफ से मुझे ये योजना का लाभ मिला, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। मुझे मेरे बिजनेस में ये बहुत ही मदद करेगा। जब मेरा बिजनेस चल रहा है अभी, उससे मैं इसे कुछ ज्यादा आगे प्रोग्रेस कर सकती। स्मार्ट कार्ड के लाभ लिए हैं 5 लाख के। 5 लाख के 5 साल के फ्री इलाज होगा, स्मार्ट कार्ड के हमको लाभ मिला है। उजाला योजना से हमारी पत्नी को गैस सिलेंडर और चूल्हा फ्री मिला, इसके लिए मैं मोदी जी को धन्यवाद देता हूँ। विभिन्न संवाददाताओं के इनपुट के साथ पटना से सलमान हैदर, दूरदर्शन समाचार। तो लगातार ये विकसित भारत संकल्प यात्रा देश के कोने कोने में जारी है। अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद लौटेंगे तो देखेंगे कुछ और खबरें।